यार ये लकड़ी क्यों भारी हो गई? लकड़ी पे ये आफत लटक गई। अबे कौन है बे तू? भाई साहब मैं दूल्हा हूँ, गिराना नहीं मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अबे कोई इस निकाह खान को भी निकालो, मेरी टांगे फंसी हुई हैं। मुझे नीचे मत उतारना। मुझे निकालो मेरी टांग। हाफिज साहब बेड़ा गर्क हो गया मेरा। अरे दूल्हे साहब इतने कीचड़ में किधर चले हो? अरे भाई साहब यहीं तुम्हारी बस्ती में आज मेरा निकाह है और ये मेरा निकाह पढ़ाने वाले हैं। हमारी बस्ती में? किसके घर? वो लाली जी के साथ मेरा निकाह है। है लाली जी से निकाह कर रहा है? तो बस तकफिरुल्लाह, लगता है अब तेरा नंबर है। वो तू लाली जी से निकाह कर रहा है? तो बस तकफार, लगता है तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? चले हाफिज साहब ये हमें भड़का रहे हैं ऐसे ही। चल इस दूल्हे का हशर अपनी आंखों से देखते हैं। चल, 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 चल। सुना है लाली फिर किसी को बलि का बकरा बना रही है। पता नहीं अब किस बेचारे की शामत है। अरे यही तो नहीं वो दूल्हा? रुकिए भाई साहब। लाली जी से आप शादी कर रहे हैं? जी भाई साहब मैं ही हूँ लाली जी का खसम। अल्लाह माफी करे, बड़ी जवानी में खुदकशी कर रहे हो। बेटा तू तो गया। यार तेरे और लाली के निकाह के बारे में जो भी सुनता है हैरान परेशान क्यों हो जाता है? अरे हाफिज साहब जलते हैं, ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की है लाली, चलें आप मेरा निकाह पढ़वाएं। चलो आज इस दूल्हे का तमाशा देखते हैं। अरे आए हैं जीजा जी, आपका ही इंतजार था। अरे ये आपके कपड़ों का क्या असर हो गया? अरे साले साहब जरा ये रास्ता तो बनवा लें, थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए ना, यहाँ से लांगा जाता है ना टापा जाता है। खैर आ जाएं बैठे। आ जाएं आप उठा लेंगे खुद, साले हैं मेरे। जीजा जी मैं तो कहता हूँ निकाह से पहले आप कपड़े चेंज कर लें। नहीं नहीं साले साहब आप बस लाली जी को ले आए, पहले निकाह पढ़वा लेते हैं। अच्छा जीजा जी पानी तो पी लें फिर आपका निकाह पढ़वा लेते हैं। हम इस दूल्हे का तमाशा देखने आए हैं। जी जी हम भी इस पांचवे दूल्हे का शुगल देखने आए हैं। अरे तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए, किस बात का तुम लोग तमाशा देखने आए हो, मुझे भी तो बताओ। असल में हाफिज साहब बात यह है, लाली जी जिस भी लड़के से शादी करती है वो दूसरे दिन ही मर जाता है। लाली जी ने एक एक करके चार शादियां की हैं, जिससे भी शादी करती है दूसरे दिन ही दूल्हा मर जाता है। कुंडली का मसला है लाली जी का, ये पांचवा दूल्हा भी शादी कर रहा है, देखना कल ये भी मर जाएगा। Oh, no. अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? हाफिज साहब ये लोग सच कह रहे हैं। Oh, no. अरे बेटा तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, किसी और लड़की से शादी कर ले। हाफिज साहब अभी ये लोग मुझे नहीं जानते, मैंने भी चार शादियां की हैं, जिस भी लड़की से शादी करता हूँ दूसरे दिन ही लड़की मर जाती है, इस लाली से बड़ा पनौती हूँ मैं। अब आएगा मजा, ये जिससे शादी करता है वो दुल्हन ही मर जाती है और लाली जिससे शादी करती है वो दुल्हा ही मर जाता है। मुकाबला टक्कर का है, देखते हैं अब कौन जीता है कौन मरता है। अरे भाई टाइम खोटी मत करो, लाली जी को ले आओ निकाह शुरू करें। लाली जी आ गई। लाली जी हाफिज साहब निकाह पढ़वाएं। मुबारक हो जी निकाह हो गया। मुबारक जी, मुबारक। जीजा जी आप अंदर आ जाएं। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम सुबह देख के जाएंगे कौन जीता है कौन मरता है, बैठो सुबह तक यहीं। अगले दिन अरे लाली तो जिंदा है, इसका मतलब है पांचवा दूल्हा भी मर गया। ऐसे थोड़ी ना मर गया, यही हूँ मैं अपनी लाली के साथ। दूल्हा भी जिंदा है लाली भी जिंदा है, इसका मतलब है कोई नहीं मरा। अभी अभी सुन के आ रहा हूँ जिस मौलवी ने इन दोनों का निकाह पढ़ाया वो मौलवी मर गया।